डॉल्बी फ्रेमवर्क का भी प्रॉब्लम होता है उसके अंदर होता है। अपडेट करते हो विंडोज एडी में जो यूजर है उसको ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये मेरे ऐसे शेयर होल्डर ने ऐसे दिए था मुझे और ले जाओ चेक करेंगे ये वाले पैकेजेस है कि नहीं। कर्बोरस चाहिए, हमने डिस्कस किया था कर्बोरस चाहिए विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए, हमें कर्बोरस चाहिए। नॉर्मली सारे ही होते हैं तो चेक कर लेते हैं के आर बी फाइव वर्जन फाइव स्टार्ट कर दो सर सीधा चेक करने के लिए। सांबा भी चाहिए है ना आपके माइनस क्यू सांबा होगा सर सांबा सांबा क्लाइंट सांबा क्लाइंट नॉट रोलिंग है सांबा कॉमन सांबा सांबा भी नहीं run install samba तो फायदा है कि नोट्स बना के रखने से आदमी को फायदा होते हैं। तो बाहर निकल भाई इसको पासवर्ड सेव कर दो ना जैसे के लिए रिमेंबर सेव कर दो तो चला नहीं जा रहा मेहनत कर दो रिमेंबर पे क्लिक कर दो टाइम सिंक हो जाए यार तो शांति रखो एनटीपी सर्वर से टाइम स्विंग करने के लिए कि ईडी और जो लिनक्स है दोनों में एक ही टाइम है मेरे पास रिक्वेस्ट हुई हां सिंपल बात है टाइम सर्वर से टाइम ले लिया उसने लाइनस में भी दे देते हैं हमारे पास ये है लाइनस के लिए एंटीपी अपडेट है हमारे पास हाँ
क्या कर रहे हैं लाल बाबू? ये मतलब लाइनक्स और विंडोज में एक जैसा टाइम हो जाए दोनों, है ना? तो कैसे होगा, एनटीपी सर्वर में जो टाइमिंग है ना वही हमने कर दिया, है ना? ठीक है, ये क्या चीज है, एनएस स्विच, कुछ आइडिया? सर सारी फाइल होती है जो डीएनएस सर्वर एंट्री करते हैं ना, डीएनएस के भी होती है, तो उनके कुछ एनएस स्विच में हम अपने मशीन को कहते हैं ऑथेंटिकेशन कहाँ से करनी है, है ना? डीएनएस हैश करते हैं ना, डीएनएस पे हैश, एनएस टी एस ना ये करोगे तो इसमें वो चीज़ अपने फाइल फाइल्स है ना, अब ETC पासवर्ड इसे शेडो से यूजर नेम पासवर्ड उठा रहे हैं, अब हम कहीं भी कहीं और से उठा, कॉम्पैक्ट विंड बाइंड वगैरह से उठाना, तो हमने पासवर्ड और ग्रुप का मतलब है, तो हम ये यहाँ हैश लगा देते हैं आई आई इसको हम जो है विन बाइंड के थ्रू लेंगे, विन बाइंड मतलब सांबा के थ्रू लेंगे, फिर वो इसको विन बाइंड इज अ पार्ट ऑफ फिर वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम, पासवर्ड की जगह फाइल लिखा हुआ था ना, कॉम्पैक्ट विड बाइंड, कॉम्पैक्ट विड बाइंड फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल मतलब जो ETC पासवर्ड फाइल होगा ना इस सिस्टम से, अब हम विन बाइंड के थ्रू उसको लेंगे, बस ये अब हम मशीन को ये बता दिए कि विन बाइंड के थ्रू हमारा पासवर्ड आना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विंडो सर्वर में जाओ इसका नाम क्या है, क्या तो बता रहे नाम इसका इसका है, बड़ा गंदा सा नाम है, विन ने क्या क्या नाम है, ठीक है ना, लिख रखा है आई जी टू एक्टिवेट, एक्टिवेट नाउ चैनल ट्रायल था क्या, पायलटेड है, तो द्वार डालोगे देखते हैं, टेस्ट करने के लिए डाल, हमें माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं करते ना, बस दोबारा पे डलेगा, दोबारा पे डलेगा VIETC होस्ट तो आप होस्ट नेम चेंज कर देते हैं ना, उसको लिख देते हैं लाइनक्स, फिर बताओ क्या कर रहे हैं, देखो डीएनएस सर्वर के नेम दिए ना हमने दोनों साथ में, देखो विंडोज में क्या होता है, छोटे बड़े दोनों मतलब एक ही होता है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों एक ही होता है, linux.kubernetes.in जो है हमने linux वाले मशीन का नाम है, ठीक है, भले आप ऐसे लिखो या आप linux लिखो या कैपिटल में linux.kubernetes.in लिखो, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 192.168.0.6.6.0, वैसे विंडोज 250 है उसको आप ऐसा लिखो या छोटे में लिखो, है या kubernetes.in लिखो, kubernetes लिखो या kubernetes.in लिखो, सब एक है, विंडोज ऐसे ही चलता है, तो हमने इसको रिजॉल्व करा दिया इस तरीके से, ठीक है ना, तो जरूरत कंप्लीमेंट क्यों मारेंगे, डीएनएस की जरूरत नहीं है ना, डीएनएस की जरूरत सर ये थोड़ी कंफ्यूजन है, मेरे को सिखाना अभी तो ना कुछ माफ समझ, जैसे हमने लाइनक्स हमने किया तो भी ये पिंग हो रहा है ना, यदि linux.in किया तो भी यही पिंग होगा,
ये गड़बड़ है, लिनक्स डॉट के वी आई टी डॉट इन, तो भी यही पिंग हो रहा है, के वी आई टी कर रहे तो भी यही पिंग होगा, वो वाला 250 जो एडी सर्वर है, या हम विंडोज वाला जो नाम है, क्या नाम है, थोड़ा गंदा सा नाम है, अगर इसीलिए ईटीसी इसमें डाला है ना, ईटीसी उसमें डाला, रिकॉर्डिंग चलती है ना, तो सारे सिंटैक्स में हो, कैपिटल में लिखे, स्मॉल में लिखे, डॉट इन के अलावा लिखे, ऐसे ही लिखे, विंडोज में तो ऐसे ही चल जाता है ना सारे, तो उसमें भी हमने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। होस्ट नेम जो है, हम अभी जो पहले एलडीएफ था इसको हम चेंज कर लेते हैं, एलडीएफ था ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं, लिनक्स कर लेते हैं, एलडीएफ पे चल रहा ना, चलो ऐसे ही बनाया हुआ, और ये हमने रिजॉल्व करा रखा ऑलरेडी, हाँ होस्ट नेम हम कर लेते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सर्वर बनाने के लिए जो होस्ट नेम है ना हमारा पिंग होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारा सीन क्या है, ये हमारा विंडोज एडी है ना, लिनक्स डॉट के वी आई टी डॉट इन हमारा विंडोज, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, दोनों के पीछे एक ही डोमेन है ना, के वी आई टी डॉट, अलग है ना, एक ही डोमेन का सब डोमेन का सब नाम है, इस टाइप का ठीक है। ये अभी सेटिंग, अभी केवल सेटअप रेडी हुआ है ना, कि आप मशीन को बता रहे हैं कि विंडोज मशीन ये है, लिनक्स मशीन ये है, और पैकेट सारे लोड कर दिए हमने, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन हम चालू करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, बस कर्वरेस को हमें ऑन करना है, कर्वरेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास है वी आई ई टी सी के आर बी फाइव डॉट, ये फाइल है ना। अब ये चेंज करना है हमने एग्जांपल को के वी आई डॉट इन करना, ठीक है। तो हम अगेन ये कमांड बहुत यूज होती है ना हमारी, एग्जांपल डॉट कॉम, इसको हम करेंगे के वी आई टी डॉट इन, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में है, जो स्मॉल में है उसको एक बार में चेंज होगी। हम एक काम करते हैं, छोटे वाले को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब के डी सी जो है, यहाँ विंडोज सर्वर के पूरे नाम लिखना है, डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ विंडोज के पूरे नाम लिखने हैं, हमने जो लिखा है यहाँ पे की प्रेस हो गया, इससे आपका काम कॉपी पेस्ट में सिलेक्ट हो जाएगा, इसमें भी पासवर्ड सर्व, ठीक है। डीएनएस लुकअप यहाँ फॉल्स लिखा है, यहाँ ट्रू कर दो,
और मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं है। हम देख सकते हैं ऐसे सेम हमने बनाया सबको। कैरबोरस हो गया, अभी अभी सांबा करना है ना, कैरबोरस सांबा भी तो करना है ना, सांबा तो वी आई सांबा का पार्ट कहाँ पर होता है बताओ लाल लोगों। ऑलरेडी इतना सारा पैरामीटर मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुराने वाले फाइल को हटा रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब कर दूँगा उसका क्या है। ओरिजिनल ना सांबर डॉट कॉन्फ नहीं है, डी आई एस एम बी डॉट कॉन्फ नया बना रहा हूँ, और इसमें मैं ये डाल देता हूँ पहले से बना हुआ है। सर मैं सामने उठवा दूँ सर, उसकी ड्रॉ राइडिंग होती है तो ब्रज कर जाएगा। हैं सर नीचे लाइट दो, नीचे लाइट दो, नीचे लाइट दी पूरे बाहर बैक इंटर लाइन भी सर दिया है। ये बिल्कुल वही है, ग्लोबल ले आया बस, आगे शेयर प्रिंटर सब हटा दिए हैं। वो कर सकते हैं यदि विंडोज यदि लगाना है, सांबा को भी यूज़ करना है, तो अभी तो केवल हमारा कंसर्न है केवल हम स्क्रीड को करें, तो केवल ग्लोबल को लिया हमने है ना, ओनली ग्लोबल है ना। ग्लोबल में देखो इसमें क्या मेन है, इसमें हमने लिखा नेट वॉयस नेम वर्क ग्रुप केवीआईटी, केवीआईटी मतलब जो वर्क ग्रुप है डोमेन नेम यही डालना है, नेट वॉयस नेम लिनक्स, लिनक्स डॉट केवीआईटी डॉट इन लिनक्स है ना? और होस्ट अलाउ, मेरे अपने नेटवर्क अलाउ ये दूसरा है लोकल होस्ट है, ठीक है। बाकी सारे कोई सारे ठीक है। सिक्योरिटी उसमें एस एम पी पासवर्ड होता है, इसमें ए डी एस किया हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से सिक्योरिटी होगा। पासवर्ड सर्वर का हमने नाम दे दिया, विंडोज़ का सर्वर का नाम, ठीक है। और वी एल एम मतलब जो सर्वर का नाम है, एक्चुअली डोमेन का नाम है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का नाम है ये, ठीक है। और बाकी सारे सामा के बारे में सब कुछ, ठीक है। सर्विस असेंबली री स्टार्ट करके आप देख सकते हैं चल गया, ठीक है। सर्विस विन वाइंड एक चाहिए हमें, विन वाइंड री स्टार्ट करके देखो चलता है, अभी चल रहा है विन वाइंड। हाँ अब डोमेन कनेक्ट करने के लिए ये दोनों सर्विसेज बंद कर दो, चलो हो गया। सर्विस एस एम बी स्टॉप, सर्विस एन एम बी भी स्टॉप हो गई है ना, सर्विस दूसरा क्या है यून बाइंड है ना, यून बाइंड है ना। अब कैरबरस को इनिशियलाइज करने के एन आई टी ऐसा होता है ना, के नेट। अब एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा या फिर ऐसा भी लिख सकते हो के नेट ओनली, तो ये आपका इन्वोक होता है क्लाइंट नॉट। अच्छा है नहीं नहीं, एक तो यहाँ पे हमारा जो है नेम सर्वर प्राइमरी वो होना चाहिए एडी का, एक्टिव डायरेक्टरी करते थे डीएनएस का वो देते हो ना कनेक्ट करते हो, तो 0.250 सेकेंडरी अपना डाल दो कोई भी है तो 8.8.8.8 पासवर्ड कौन सा डाला विंडोज़ का, मैंने सुना है एडमिनिस्ट्रेटर उसका विंडोज़ का पासवर्ड दिया, वो ले लिया
अब उसको हमने एडी से ज्वाइन करना है, नेट है ना, एडीएस ज्वाइन है, नेट एडीएस ज्वाइन कमांड है, माइनस कैपिटल यू एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है ये ज्वाइन होगी है ना। ज्वाइन होने के बाद दोनों सर्विसेज चला दो, स्टॉप ही हो रहा है, उसके बगैर थोड़ा दिक्कत होती है, वैसे चला के भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, रीस्टार्ट है ना, दोनों को आप ऑन कर दो, ऑन ठीक है। इसके बाद हमारे पास कमांड है डब्ल्यू बी इन्फो माइनस टी करो तो तुम्हें दिखाएगा कि ये ठीक से ज्वाइन हुआ है कि नहीं, तो ये सक्सेस है ना। माइनस यू करोगे तो तुम्हें वहाँ के उसके यूजर्स दिखा देंगे, कौन कौन से यूजर्स, उसके यूजर्स दिखा दिए ना, जैसे विकास नितिन प्रभात, अब वहाँ जो पासवर्ड है वही कॉल करेगा है ना। इसके बाद ये तो कनेक्ट हो गया, हमें दिखा रहा है कि एडी से ज्वाइन हो गए, एडी का यूजर है, तो समझ में आ रहा है ओके। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, यूजर रहना है हमारा मकसद नहीं, तो स्क्विड है, स्क्विड के लिए कर रहे हैं, तो हम वी आई अभी हो गया हमारा, तो अगर लाइनेज मशीन पे एक सिंगल लॉगिन तो हो जाएगा, दो मिनट देखते हैं स्क्विड है ना, देखते हो कि देखते सी डी ए टी सी स्क्विड ठीक है। अब स्क्विड में हमने देखो पर एन टी एस ए पैरामीटर था ना, अब जब लाइनस के जब कर्वोरस के साथ करेंगे तो एन टी एल एम होगा है ना, उस दिन हमने डिस्कस किया था ना, एन टी एस ए था और जब हम विंडोज के साथ करेंगे तो एन टी एन एल एम होगा, तो ये पैरामीटर पहले से डिफाइंड है स्क्विड में, देखो एन टी एन एल एम कहीं से भी खोजोगे VIETC.com और underscore हेलो, ये मैंने खोज लिया है ना, ये कहाँ पे है इतना मैं खोज रहा हूँ, ये लगभग यहाँ पे, तो यहीं पे सारे हैश है, ये लाइनें सारे लिखे हुए हैं ऑलरेडी पहले, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं कहीं जगह बना रहा हूँ, फ्यूचर के लिए मैं दोबारा खोल सकूँ, ताकि मैं यहाँ कुछ विकास लाइंस ऐसे डाल रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम विकास करके खोज लूँगा है ना, तो ये मत देखिए, ये सारे जो मेरे पास पैरामीटर्स थे ये मैंने कॉपी कर, सारे आगे कोई नहीं, ये तो यहीं तक करना था, बाकी तो ए सी एल है। अब स्क्विड को बोला कि है ना ऑथेंटिकेशन करवर से ऑथेंटिक सिस्टम से तुम यूजर नेम पासवर्ड ले सकते हो है ना, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दो ए सी एल बनाने हैं, ए सी एल बनाने, ए सी एल बनाओ, कैसे बनाते हो ए सी एल है ना, ऑथ नाम से बना रहा हूँ है ना, ए सी एल ऑथ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी ऑथ, ये जो एन टी एस ए यूज़र के लिए ऐसे करते थे ना रिक्वायर्ड है ना, ये बन गया। अब इसके बाद इंसर्ट, इसका नाम क्या था, ऑथ अलाउ, ये समझ में आया ना, इसमें तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमने स्क्विड पहले किया हुआ है, पहले एन टी एम वाले लाइन क्यों लगाया हमने, कि स्क्विड कर्वोरस से यूजर नेम पासवर्ड ले, और ये तो इसे लगाना पड़ेगा एक उसको यूज़ करने के लिए, तो हमने ये कर रहे हैं सर्विस
ठीक है ना। अब हम जा सकते हैं कहाँ से उठिए ये है। और एडी से ज्वाइन करोगे तो यूजरनेम पासवर्ड तो अपने आप ही आएगा और वो ग्रुप पॉलिसीज में जाके आप कनेक्ट थ्रू बॉक्स वाला लाइन सेट कर सकते हैं। करते हैं ना आप लोग ग्रुप पॉलिसी में जाके, तो जैसे ही ऐसे करेंगे हम तो ये शुड आस्क फॉर यूजरनेम एंड पासवर्ड। अब मैं प्रभात दे रहा हूँ, प्रभात मैंने कोई यूजर तो बनाया नहीं और यूजर एडी से उठना चाहिए तो इसका पासवर्ड है एडी से पहले से जो कनेक्टेड है उसको नहीं पूछा, अदरवाइज ये डिस्टर्ब करते रहेगा है ना। हाँ तो एडी से कनेक्ट कर लो फिर नहीं पूछो, ठीक है। जो कहीं नए लिंक में जाएगा तो ये पूछता है। तो एडी से यदि लॉगिन करके रखोगे तब ये नहीं पूछेगा है ना। शास्त्री जी आप एडी से लॉगिन कर सकते हैं, करो करो ज्वाइन करो और मैं ज्वाइन कराऊंगा सारा होटल का। चलो ऑफलाइन देखते हैं इसको, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। ये समझ में आ गया है ना, तो हमने क्या किया और ब्रीफ नोट बताओ। अरे कहाँ देख रहा तू एडी पे, हमने क्या किया सांबा, हमें क्या चाहिए, एक तो के आर भी चाहिए कर्बोरस है ना, एक सांबा है स्क्विड और एडी, ये चार कंपोनेंट चाहिए एडीएस है ना। एडीएस चाहिए चार कंपोनेंट। कर्बोरस क्या करता है, जो हमारे लिनक्स पीसी को विंडोज के ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लाता है। अब कर्बोरस का हमने जो फाइल था वो हमने क्या था, ई टी सी के आर वी फाइल डॉट इसके अंदर मॉडिफाई किया था है ना। सांबा को ई टी सी सांबा एस एम बी डॉट कॉन्फ है ना। इसमें इसमें क्या था, हमने जो उसके सिक्योरिटी सिस्टम है सिक्योरिटी हमने एडीएस किया था है ना, और पासवर्ड सर्वर हमने चेंज किया था इसमें, पासवर्ड सर्वर वो चीज़ इसमें ठीक किया था है ना। स्क्विड में हमने एन टी एन एम एम्बेड किया और ए सी एल बनाया, ठीक है ना, प्रॉक्सी ऑथ का। और एडीएस में तो हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। टाइम सेट करना जरूरी है, टाइम सेट नहीं होगा हो, हाँ फिर नहीं तो सिंक नहीं होगा ना, जैसे नहीं पासवर्ड का वो तो जाएगा कुछ एरर रह जाएगा। हमारा फायरवॉल जो कनेक्ट नहीं हो रहा था तो ये कपिल हो जाएगा हाँ, इसमें आप जितना भी रिपोर्ट जनरेट होगा वो यूजर नेम से होगा, वेयर लॉग हरिद्वार के एस सी एल को बनाना जरूरी नहीं है।
तो तुम्हारी श्रद्धा है बनाओ, वो तो स्क्रिप्ट की अलग चीज़ है ना। अच्छा बना रहे बनाओ है ना, देखो ये प्रभात आ रहा है ना, नाम से आ रहा है। स्क्रिप्ट व्यू डाउनलोड करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट व्यू हमारे पास एफटीपी में है क्या? नाम से आ रहे हैं अथेंटिकेट होने के बाद, इसी नाम से आ रहे हैं। ठीक है, आई पी से आएगा तो सर डिनाइड है, डी मतलब डिनाइड है, यूजर से आएगा तभी हो। ठीक है, इस तरह से हम जो है रिपोर्टिंग जो है यूजर से ले, जैसे हम बनाते हैं, जैसे यूजर बनाते हैं अलग अलग, तो हम wv इन्फो माइनस यू करके यूज़र का लिस्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसा करके हम जैसे ETC स्क्वेड ट्रस्टेड अंडरस्कोर यूज़र ऐसे बना दिया, तो VI इतना सारे ट्रस्टेड यूज़र ऐसे ट्रीट कर सकते हो, जो रूलिंग बनाना है आगे, है वेरी सिंपल। इसके अंदर से इसको लिमिटेड करना है तो लिमिटेड में ले जाओ। ठीक है, हो जाएगा आनंद, होगी हो जाएगा है। कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई डाउट? क्वेश्चन डाउट जब आएंगे तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बिना क्वेश्चन डाउट नहीं। नहीं, इसका जो हमने बनाया ना बड़ा सिंपल बनाया, वो एक बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वेरी इडियट प्रूफ है, इसमें क्या है हमारे लड़के उठा के सीधा कर देते हैं, ये इसी डॉक्यूमेंट से, कोई दिक्कत। सारे सॉफ्टवेयर लोडेड होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लोज करें।